पर अड़े उदयनिधि, स्टालिन सनातन पर दिए बयान पर कायम उदयनिधि। देश भर में उदयनिधि के बयान का विरोध हो रहा है। उदयनिधि पर सनातन के अपमान का आरोप है। तो एमके स्टालिन के बेटे जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्री बेटे जिनका नाम है उदयनिधि स्टालिन, इन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था। इसको लेकर पूरे देश भर में विरोध हुआ और अब भी ये अपने बयान पर अड़े हुए हैं। ये उदयनिधि स्टालिन है। और बीजेपी का इंडिया गठबंधन पर वार। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया। इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी है। घमंडिया गठबंधन की सोच हिंदू विरोधी। विपक्ष की वोट बैंक की सियासत। उदयनिधि पर राहुल चुप क्यों हैं? राहुल का पाखंड सामने आ गया। यह स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है। ये इन लोगों की एक परंपरा है, वोट के लिए कुछ भी करो, किसी सीमा तक जाओ। अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। विपक्ष की ध्रुवीकरण की राजनीति। सनातन मिटाने वाले खाक में मिल गए। हिंदुओं को मिटाने का सपना खाक हुआ है। चलने की हजरत वाले कितने ही खाक हो गए। हिंदुओं को मिटाने के खाक वाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। राम नामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और माँ सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है?